सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूँ सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो यहां पर निकल करके आती है Xiaomi की तरफ से। और दोस्तों, अगर आप यहां पर Xiaomi के किसी भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, Redmi के किसी भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, Poco के किसी भी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो जल्दी ही आपकी डिवाइस पे MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलने वाला है। बेसिकली यहां पर लिस्ट आ चुकी है जिसमें दोस्तों Poco के लगभग स्मार्टफोन रखे गए हैं MIUI 12.5 के अपडेट के लिए, और उसके साथ में Redmi के Redmi Note 9 सीरीज के पूरे स्मार्टफोन रखे गए हैं। तो अगर आप यहां पर इन सभी स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही आपके डिवाइस पे MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि कौन कौन से एलिजिबल डिवाइसेस हैं, कौन कौन से स्मार्टफोन पे आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। बात करता हूं यहां पर अपडेट के बारे में। तो यार अपडेट का अभी फिलहाल शेड्यूल आया नहीं है कौन से डिवाइस में कब अपडेट मिलने वाला है, कि यहां पर MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो जल्दी ही रोल आउट होने वाला है जितनी भी एलिजिबल डिवाइसेस हैं उनमें। अब जैसे ही इसके बारे में कुछ भी और कंफर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बात रही MIUI 12.5 के इंडिया लॉन्च के बारे में, तो यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि Redmi Note 10 एस स्मार्टफोन 13 मई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और ये जो स्मार्टफोन है वो MIUI 12.5 पे बेस्ड है, MIUI 12.5 के साथ में इंडिया में आ रहा है। तो उसी दिन पूरा चांस है कि MIUI 12.5 जो है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, और उसके बाद में पूरा जो शेड्यूल है वो यहां पर निकल के आ जाएगा कि कौन सी डिवाइस में कब अपडेट मिलने वाला है। तो अगर आप यहां पर Redmi के स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, Xiaomi के स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, Poco के स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बात करता हूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग का एक स्मार्टफोन है जिसपे आपको 6,000 रुपये का डिस्काउंट अभी फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। ये जो स्मार्टफोन है उसका नाम है Samsung Galaxy F62। Samsung Galaxy F62 जो स्मार्टफोन है इस पर आपको सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट दोनों पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल यहाँ पर सेल चल रही है और उस सेल में अगर आप यहाँ पर कार्ड वगैरह का जो ऑफर वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद में जो Samsung Galaxy F62 स्मार्टफोन है वो आपको कुछ यहाँ पर 6,000 रुपये सस्ता देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइस से। कुछ 7,000 mAh की बैटरी के साथ में ये स्मार्टफोन आता है, प्रोसेसर काफ़ी दमदार है, डिस्प्ले वगैरह सभी चीज़ें अच्छी हैं, और 6,000 रुपये सस्ता मिल रहा है तब तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है। अगर आपको परचेस करना है आप जरूर से इस स्मार्टफोन को जाकर के एक बार देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है माइक्रोमैक्स की तरफ से। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। जल्दी ही माइक्रोमैक्स इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। अब आज यहाँ पर जो डिटेल्स आई हैं उससे ये कहा जा रहा है कि माइक्रोमैक्स इन नोट प्रो करके एक स्मार्टफोन आपको इसी मई के महीने में देखने के लिए मिल सकता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, अगर वो लोग यहाँ पर लॉन्च वगैरह को कैंसिल नहीं करते हैं तो। और इसके साथ में कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वही स्मार्टफोन है जिसमें आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले, काफ़ी तगड़ा यानी हीलियो G95 वगैरह का चिपसेट और यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो मई के लास्ट वीक में यानी यहाँ पर 20 से 25 मई के आसपास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट प्रो स्मार्टफोन जल्दी ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये कोरोना वगैरह से ये जो लॉन्चेस हैं वो कैंसिल ना हो तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग पे जो स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे इसके बारे में कुछ भी और डिटेल आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। बात करता हूँ आपसे यहाँ पर अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो यहाँ पर निकल करके आती है Redmi Note 10 स्मार्टफोन की प्रॉब्लम को लेकर के। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन में स्क्रीन फ्लिकरिंग की जो दिक्कत है वो हो रही है, मतलब डिस्प्ले को लेकर के काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्ले ऑटोमेटिक वाइट हो जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर Xiaomi का कहना था कि जल्दी ही इस स्मार्टफोन पे अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर दी जाएगी। अब दोस्तों, काफी लोगों का मुझे DM भी आ रहा है, काफी लोग कमेंट भी करते हैं, और यहां पर काफी लोग ट्विटर वगैरह पे भी ये जो चीजें हैं वो पूछ रहे हैं डायरेक्टली कंपनी से कि उनका जो स्मार्टफोन है वो अभी भी उसी सिचुएशन में है, मतलब डिस्प्ले वाइट हो जा रही है, स्क्रीन उनकी फ्लिकर कर रही है स्मार्टफोन की, अभी तक उनको कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है। और एटलीस्ट काफी लोगों का ये कहना है कि वो अपने स्मार्टफोन को एक महीने से इसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यार, मैं कंपनी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार जिन लोगों ने अपना पैसा लगा करके स्मार्टफोन को खरीदा है कम से कम उन लोगों को सपोर्ट जरूर से प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आगे भी वो आपके कंपनी के स्मार्टफोन को परचेस करते रहे। तो इसकी वजह से जरूर से Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन में जो अपडेट है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि यार मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया Redmi Note 10 स्मार्टफोन को लेकर के, सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट की गई है।
तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कंपनी को इस स्मार्टफोन में अपडेट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि स्मार्टफोन की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो सके। तो दोस्तों फाइनली ये है कुछ डिटेल, तो दोस्तों फाइनली ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।